नमस्कार, मेरा नाम है सुधीर सरनवाल। विस्फोटक न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। विस्फोटक न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। नमस्कार, मैं हूं मेघा वर्मा। विस्फोटक न्यूज़ में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ आम खबरों के साथ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 8वें और 9वें मामले में भी चुनाव आयोग से क्लीन चिट मिल गई है। इन दोनों मामलों में 23 अप्रैल को अहमदाबाद का एक रोड शो और कर्नाटक के चित्रदुर्ग में दिया उनका एक भाषण का मामला शामिल है। आपको बता दें, 23 अप्रैल को गुजरात में पीएम मोदी ने वोट डाला था। वोट डालने के लिए वो एक खुली जीप में गए थे। इसी को लेकर विपक्ष ने उनकी शिकायत चुनाव आयोग से की थी। विपक्ष का कहना था कि ये एक रोड शो के समान है और आचार संहिता का उल्लंघन है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 7 राज्यों की 51 सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई। इस चरण में कुल 63.38% वोटिंग की गई है। इस दौरान करीब 9 करोड़ मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। 5वें चरण में 674 उम्मीदवारों का भविष्य ईवीएम में कैद हो गया। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी जैसे बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है। बिहार की मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट पर कल 5वें चरण में वोट डाले गए। इस दौरान कल्याणी में एक होटल से 6 ईवीएम बरामद किए गए हैं। इसके बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। आपको बता दें, एसडीओ ने ईवीएम को अपने कब्जे में ले लिया। उन्होंने इसे बड़ी लापरवाही बताते हुए मजिस्ट्रेट पर कार्यवाही की बात की है। भाजपा के फायर ब्रांड नेता और बिहार की बेगूसराय सीट से भाजपा के उम्मीदवार गिरिराज सिंह को न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। न्यायालय ने आचार संहिता उल्लंघन मामले में गिरिराज सिंह को जमानत दे दी है। दरअसल गिरिराज ने बेगूसराय सीजीएम कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की थी। आपको बता दें, 4थे चरण के प्रचार के दौरान गिरिराज सिंह ने वंदे मातरम बोलने को लेकर एक बयान दिया था। बयान में उन्होंने कहा था कि राजद उम्मीदवार जब दरभंगा जाते हैं तो वहां वंदे मातरम बोलने से इनकार करते हैं और आज बेगूसराय में वोट मांग रहे हैं। हमारे नाना दादा तो मरकर सिमरिया में प्रवाहित हो गए और इनको तो दफन होने के लिए 3 गज जमीन की भी आवश्यकता पड़ी थी। वाराणसी से लोकसभा चुनाव का पर्चा दाखिल करने वाले पूर्व बीएसएफ जवान तेज बहादुर यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बीजेपी ने वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश बताया है। आपको बता दें, वीडियो में ये कहते हुए दिखाया गया है कि 50 करोड़ देने पर पीएम मोदी की हत्या करवा देंगे। वीडियो को शहजाद पूनावाला ने ट्वीट किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव ने संकेत दिया है कि बीजेपी अकेले दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाएगी। राम माधव ने कहा कि बीजेपी को नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार बनाने के लिए सहयोगियों की जरूरत पड़ सकती है। उन्होंने ये भी माना कि अगर देश के उत्तरी राज्यों में बीजेपी को कुछ नुकसान होता है तो पार्टी इसकी भरपाई पूर्वोत्तर और पूर्वी राज्यों पश्चिम बंगाल और ओडिशा से कर लेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल मतदाताओं से भाजपा या कांग्रेस का नाम लिए बगैर कहा, चुनाव की रात क्या वो पैसा देने आते हैं या नहीं? इसके अलावा वो अगर पैसा देते हैं तो आप मना मत करना, लेकिन वोट हमारी पार्टी को ही देना। केजरीवाल दक्षिण दिल्ली के उम्मीदवार राघव चड्ढा के समर्थन में एक जनसभा संबोधित करने पहुंचे थे। केजरीवाल ने इससे पहले भी चांदनी चौक में इसी तरह की टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन्हें चुनाव आयोग ने कारण बताओ नोटिस भेजा था। बिहार के बगहा में एक अग्निकांड में 2 घर जलकर राख हो गए। आग लगने की वजह से 2 घरों में सिलेंडर भी फट गया, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है, कुछ असामाजिक लोगों ने एक नर्सरी स्कूल में आग लगा दी थी। आग इतनी बढ़ गई और उसने आसपास के घरों को अपनी चपेट में ले लिया। इस आग में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। भोपाल में कांग्रेस नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने आज पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के घर पर जाकर उन किसानों की जानकारी दी जिनका कर्ज राज्य की कांग्रेस सरकार ने माफ किया है। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी भी उनके साथ थे। आपको बता दें, 4 मई को बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी करते हुए कांग्रेस पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया था। दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसा है। उन्होंने राजगढ़ में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए शिवराज पर उस बयान को लेकर निशाना साधा जो उन्होंने दिग्विजय के लिए दिया था। देखिए, राजा ने कहा, आजकल शिवराज कहते हैं कि दिग्विजय सिंह का नाम मेरे मुंह से नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो नहाना पड़ेगा, लेकिन साध्वी प्रज्ञा का प्रचार करने के बाद तो उनको नहाना नहीं पड़ता।
बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने कांग्रेस और बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए आह्वान किया है। शहर के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में उन्होंने कहा कि केंद्र और अधिकांश राज्यों में लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, लेकिन गरीबी और बेरोजगारी खत्म नहीं हुई, बल्कि किसान और मेहनतकश लोग तबाह होते चले गए। उन्होंने कहा कि नाटकबाजी और जुमलेबाजी के चलते बीजेपी सरकार मौजूदा चुनाव में केंद्र की सत्ता से बेदखल हो जाएगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा है। कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता ने कहा, आप भाजपा के बाबू, आप जय श्री राम कहते हैं, लेकिन क्या आपने एक भी राम मंदिर का निर्माण किया है? चुनाव के समय रामचंद्र आपकी पार्टी का एजेंडा बन जाते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों के मिलान को लेकर सुनवाई हुई। विपक्ष की दाखिल की गई पुनर्विचार याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। इस याचिका को टीडीपी और कांग्रेस सहित 21 विपक्षी दलों ने कोर्ट में दायर किया था। इन दलों की मांग थी कि 50% वीवीपैट पर्चियों की ईवीएम से मिलान का आदेश चुनाव आयोग को दिया जाए। इस पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि अदालत इस मामले को बार बार क्यों सुने। चांद के दीदार के साथ शुरू होने वाले रमजान की शुरुआत आज से शुरू हो चुकी है। दिल्ली की शाही फतेहपुरी मस्जिद के इमाम मुरू मुफ्ती मुकर्रम अहमद ने बताया कि पहला रमजान 7 मई को है और पहला रोजा भी 7 मई से ही शुरू होगा। न्यूयॉर्क में आयोजित मेट गाला 2019 में प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण सबके आकर्षण का केंद्र बन गई। इनके फैशन सेंस सोशल मीडिया पर सबका ध्यान खींचने लगा। दीपिका पादुकोण इस दौरान डिज्नी प्रिंसेस लुक में नजर आई, जिसे जैक पोजन ने बनाया था। वहीं प्रियंका इस दौरान अजीब से स्टाइल में दिखी। प्रियंका के लुक को लेकर लोगों ने सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाना भी शुरू कर दिया। इन दोनों के अलावा लेडी गागा भी सुर्खियों में रही। उन्होंने यहाँ 1, 2 नहीं बल्कि 4 ड्रेस बदली। आखिर में वो बिकिनी लुक में कारपेट पे लेट गई और काफी पोज भी दिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए विस्फोटक न्यूज़। नमस्कार।